एक ऐसा फोन चाहते हैं जिसमें एक अच्छा कैमरा हो, एक अच्छा गेमिंग प्रोसेसर हो, एक अच्छा बैटरी बैकअप हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सा फोन लिया जाए। क्या Redmi 13C 5G फोन ठीक रहेगा या Realme C63 5G? लिया तो कौन सा फोन लिया जाए समझ नहीं आ रहा। तो फिर आप सही जगह है, मैं इस वीडियो में फुल रिव्यू दूंगा और बताऊंगा कि इन दोनों फोनों में से कौन सा फोन बेस्ट रहेगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत सबसे पहले Redmi 13C 5G फोन से की जाए, जो कि इस फोन के बॉक्स में हमें हमारा फोन कुछ मैनुअल गाइड सिम इजेक्टर टूल किट। वैसे तो ये फोन 18 वोल्ट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन इस फोन के बॉक्स में हमें सिर्फ 10 वोल्ट का चार्जर ही देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर अब क्यों ना इस फोन के लुक एंड डिजाइन की बात करें, जो कि इस फोन की बैक में डुअल कैमरा सेटअप के साथ एक फ्लैश लाइट देखने को मिलती है। बैक में शाइनिंग ग्लास बैक बॉडी के साथ प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलता है। ओवरऑल लुक वाइज देखने में ये फोन काफी बढ़िया लग रहा है। इस फोन के वेट की बात की जाए, जो कि इस फोन का वेट 192 ग्राम्स है, साथ ही में इस फोन में हमें 8.1 mm की थिकनेस देखने को मिलती है। ये फोन लाइट वेट होने के साथ साथ हैंडी भी है। तो चलिए फिर अब क्यों ना इस फोन के डिस्प्ले परफॉर्मेंस की बात की जाए, जो कि इस फोन में हमें IPS LCD पैनल देखने को मिलता है विद 90 Hz रिफ्रेश रेट। साथ ही में इस फोन के डिस्प्ले में 260 PPI डेंसिटी का रेजोल्यूशन, 83.7% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, 6.7 इंचज का स्क्रीन साइज देखने को मिलता है। इस फोन के डिस्प्ले में 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। ओवरऑल काफ़ी डिसेंट सी डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि आम बजट के 5G फोन में देखने को मिलती है। तो चलिए फिर अब क्यों ना इस फोन के प्रोसेसर की बात की जाए, जो कि इस फोन में हमें MediaTek Dimensity 6100+ प्रोसेसर देखने को मिलता है विद 6 नैनोमीटर चिपसेट, जो कि हमारी गेमिंग परफॉर्मेंस को काफ़ी इन्हेंस कर देता है। साथ ही में इस फोन में हमें एंड्रॉयड 13 वर्जन 4GB तक वर्चुअल डायनेमिक शेयर्ड मेमोरी, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिलता है। बाकी इस फोन में सिंगल स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि ऑडियो एंड स्पीकर परफॉर्मेंस तो डिसेंट रहेगी इस फोन की। तो चलिए फिर अब क्यों ना इस फोन के कैमरा परफॉर्मेंस की बात की जाए, जो कि इस फोन में हमें सिंगल कैमरा सेटअप ही देखने को मिलता है, जो कि 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद 1.8 अपर्चर रेट है। दूसरा तो हमें एक ऑक्सिलरी लेंस देखने को मिलता है, जो कि 0.08 मेगापिक्सल का है। इस फोन का कैमरा 1080p 30 fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। सेल्फी कैमरा की बात करें, जो कि इस फोन में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। बाकी इस फोन में LED फ्लैश, HDR, टाइम लैप्स, नाइट मोड जैसे कैमरा फीचर्स देखने को मिलते हैं। इस फोन का कैमरा 10x जूम तक सपोर्टेड है। ओवरऑल काफी बढ़िया कैमरा परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। इस फोन का कैमरा डे लाइट के साथ नाइट फोटोग्राफी के लिए भी बेस्ट रहेगा। इंडोर एंड आउटडोर कैमरा परफॉर्मेंस भी इस फोन की मुझे काफी बढ़िया लगी। तो चलिए फिर ये तो थे इस फोन के कैमरा फीचर्स। तो फिर अब क्यों ना इस फोन के बैटरी बैकअप की बात की जाए, जो कि इस फोन में हमें 5000 mAh बैटरी देखने को मिलती है। वैसे तो ये फोन 18 वोल्ट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, लेकिन इस फोन के बॉक्स में हमें सिर्फ 10 वोल्ट का चार्जर ही देखने को मिलेगा, यानी कि फोन को फुल चार्ज होने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। ओवरऑल नॉर्मल यूसेज करें तो इस फोन का बैटरी बैकअप आसानी से 13 to 14 hours तक का रहेगा। फाइनली तो फिर अब क्यों ना इस फोन के प्राइसिंग की बात की जाए, जो कि इस फोन में हमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। पहले 4GB RAM एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका प्राइस 10,500 है। दूसरा 6GB RAM एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका प्राइस 12,000 है। तीसरा और आखिरी 8GB RAM एंड 256GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका प्राइस 14,000 है। हमें तीनों ही वेरियंट्स पर ऑनलाइन स्टोर्स पर 1,000 का क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट भी देखने को मिलता है। ये फोन 3 कलर वेरिएंट में अवेलेबल है। तो चलिए फिर ये तो थे इस फोन के सभी स्पेसिफिकेशंस। तो फिर अब क्यों ना इस फोन को साइड में रखा जाए और भरा जाए हमारे दूसरे फोन की ओर, जो कि Realme C63 5G फोन है। इस फोन के बॉक्स में हमें हमारा फोन कुछ मैनुअल गाइड सिम इजेक्टर टूल किट एक कवर केस
कवर केस की बिल्ड क्वालिटी तो काफ़ी बढ़िया है। साथ ही में ही इस फ़ोन के भी बॉक्स में हमें 10 वोल्ट का चार्जर सी टाइप केबल देखने को मिलती है, यानी कि इस फ़ोन के साथ में तो हमें एक कंप्लीट फ़ोन बॉक्स देखने को मिलता है। चलिए इस फ़ोन के लुक एंड डिज़ाइन की बात करें, जो कि इस फ़ोन की बैक में डुअल कैमरा सेटअप के साथ एक फ्लैश लाइट देखने को मिलती है। बैक में काफ़ी यूनिक कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलता है। बैक में मैट फिनिश स्क्रैचलेस बैक बॉडी देखने को मिलती है, साथ ही में ही प्लास्टिक फ्रेम। इस फ़ोन के वेट की बात की जाए, जो कि इस फ़ोन का वेट 192 ग्राम्स है, साथ ही में ही 7.9 mm की थिकनेस देखने को मिलती है। तो चलिए फिर अब इस फ़ोन की डिस्प्ले की बात की जाए, जो कि इस फ़ोन में भी हमें IPS LCD पैनल देखने को मिलता है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। साथ ही में इस फ़ोन के डिस्प्ले में 264 PPI डेंसिटी का रेजोल्यूशन, 85.1% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, 6.6 इंचेस का स्क्रीन साइज देखने को मिलता है। डिस्प्ले ब्राइटनेस की बात करें, जो कि इस फ़ोन में 625 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। देखिए डिस्प्ले परफॉर्मेंस तो इस फ़ोन की Redmi के फ़ोन से काफ़ी बढ़िया है। तो चलिए फिर अब इस फ़ोन के प्रोसेसर की बात की जाए, जो कि इस फ़ोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर देखने को मिलता है विद 6 नैनोमीटर चिपसेट, जो कि हमारी गेमिंग परफॉर्मेंस को काफ़ी इन्हेंस कर देता है। साथ ही में इस फ़ोन में हमें Android 14 वर्जन 4GB तक वर्चुअल रैम एक्सटेंड मेमोरी, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है। बाकी इस फ़ोन में IP64 रेटिंग के साथ सिंगल स्पीकर्स देखने को मिलते हैं। इस फ़ोन में तो AI बूस्ट जैसे स्पेशल फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए फिर अब क्यों ना इस फ़ोन के कैमरा फीचर्स की बात की जाए, जो कि इस फ़ोन में तो हमें सिंगल कैमरा सेटअप ही देखने को मिलता है, जो कि 32 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद 1.9 अपर्चर रेट है। दूसरा तो हमें इस फ़ोन में भी एक ऑक्सिलरी लेंस देखने को मिलता है। इस फ़ोन का कैमरा 1080p 30fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। सेल्फी कैमरा की बात करें, जो कि इस फ़ोन में हमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा विद 2.0 अपर्चर रेट। साथ ही में ही इस फ़ोन में हमें LED फ्लैश, पैनोरामा, नाइट पैनो, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, डुअल वीडियो मोड, टिल्ट शिफ्टर, नाइट जैसे कैमरा फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। इस फ़ोन का कैमरा 10x जूम तक सपोर्टेड है। कैमरा परफॉर्मेंस तो इस फ़ोन की भी काफ़ी बढ़िया है। सेल्फी कैमरा के साथ इस फ़ोन में हमें काफ़ी ज़्यादा कैमरा फीचर्स देखने को मिलते हैं रेडमी के फ़ोन से। इंडोर एंड आउटडोर कैमरा परफॉर्मेंस भी रेडमी के फ़ोन से तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए फिर ये तो थे इस फ़ोन के कैमरा फीचर्स। अब क्यों ना इस फ़ोन के भी बैटरी बैकअप की बात की जाए, जो कि इस फ़ोन में भी हमें 5000 mAh बैटरी देखने को मिलती है। इस फ़ोन के बॉक्स में हमें 10 वोल्ट का चार्जर देखने को मिलेगा, लेकिन ये फ़ोन 15 वोल्ट की चार्जिंग सपोर्ट करता है। नॉर्मल यूसेज करें तो इस फ़ोन का भी बैटरी बैकअप आसानी से 14-15 आवर्स तक का रहेगा। फाइनली तो फिर अब क्यों ना इस फ़ोन के भी प्राइसिंग की बात की जाए, जो कि इस फ़ोन में भी हमें 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। पहले 4GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका प्राइस 11,000 है। दूसरा 6GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका प्राइस 12,000 है। तीसरा और आखिरी 8GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसका प्राइस 13,000 है। हमें तीनों ही वेरिएंट्स पर ऑनलाइन शॉप्स पर 1,000 का क्रेडिट का डिस्काउंट भी देखने को मिलता है। बाकी ये फ़ोन 2 कलर वेरिएंट में अवेलेबल है। तो चलिए फिर ये तो थी इस फ़ोन के सभी स्पेसिफिकेशंस। अब बात करते हैं कि इन दोनों फ़ोनों में से कौन सा फ़ोन बेस्ट रहेगा। सबसे पहले प्राइसिंग की बात करें, जो कि प्राइस में तो इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है। अब लुक एंड डिज़ाइन की बात करें, जो कि देखने में तो ये दोनों फ़ोन ही काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। डिस्प्ले परफॉर्मेंस तो रियलमी के फ़ोन की बढ़िया रहेगी, क्योंकि इस फ़ोन में हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। हमें रियलमी के फ़ोन में तो IP64 रेटिंग भी देखने को मिलती है। गेमिंग के साथ ओवरऑल परफॉर्मेंस भी रियलमी के फ़ोन की बढ़िया है। कैमरा परफॉर्मेंस तो दोनों फ़ोनों की ही बढ़िया थी। बैटरी बैकअप भी इन दोनों फ़ोनों का सेम ही रहेगा। Realme के फ़ोन में AI बूस्ट जैसा स्पेशल फीचर भी देखने को मिला, साथ ही में ही Redmi के फ़ोन से एक जनरेशन आगे का Android वर्जन। साथ ही में ही Realme का फ़ोन लेटेस्ट लॉन्च्ड फ़ोन है। तो फिर अब सोच क्या रहे हो, ये Realme का फ़ोन ही एक बेस्ट बजट फ्रेंडली 5G फ़ोन रहेगा।